ब्यास लिंक नहर में 15 वर्षीय किशोर का शव मिला है। मृतक की पहचान मोहल्ला कबीर नगर सुजानपुर निवासी पुनीत पुत्र बच्चन लाल के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अनिल पवार ने बताया कि सुबह हर रोज की तरह उनका बेटा शनिवार को सैर के लिए गया था, इसके बाद घर वापस नहीं आया। उन्होंने पुनीत का सारा दिन तलाश की और शाम को छोटेपुर के पास हाइडल में उसका शव मिला। सुजानपुर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम संतोगरा है। की गल बात है? सैर करना था सवेरे 4 बजे, सवा 4 निकलता रोज, आज भी निकले सैर करने के, ताई लभदे रहे, लभे नहीं ते नहर पैर पूर हाथ पैर धोने का डे पिया। किथे भी करना है? ए गाना नहीं मोड़ दी। किथे भी करना? एक स्कूल लागे, क्रैस्किंग स्कूल लागे। ते की नाम की होंदा है? पुनीत। कितने साल उम्र है? ये 16 साल लगे, 15 साल की उम्र है। अज सवेरे आया? अज सवेरे जी। तुहानू किदा पता लग्या दा? ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਪਿਆ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਈ, ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ ਸੋਨੂ ਗੁਪਤਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, AMI ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ब्यास लिंक नहर में 15 वर्षीय किशोर का शव मिला है। मृतक की पहचान मोहल्ला कबीर नगर सुजानपुर निवासी पुनीत पुत्र बच्चन लाल के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अनिल पवार ने बताया कि सुबह हर रोज की तरह उनका बेटा शनिवार को सैर के लिए गया था, इसके बाद घर वापस नहीं आया। उन्होंने पुनीत का सारा दिन तलाश की और शाम को छोटेपुर के पास हाइडल में उसका शव मिला। सुजानपुर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम संतोगरा है। की गल बात है? सैर करना था सवेरे 4 बजे, सवा 4 निकलता रोज, आज भी निकले सैर करने के, ताई लभदे रहे, लभे नहीं ते नहर पैर पूर हाथ पैर धोने का डे पिया। किथे भी करना है? ये गाना नहीं मोड़ दी। किथे भी करना? एक स्कूल लागे, क्रैस्किंग स्कूल लागे। की नाम की होंदा है? पुनीत। कितने साल उम्र है? ये 16 साल लगे, 15 साल की उम्र है। अज सवेरे आया? अज सवेरे जी। तुहानू किदा पता लग्या? ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਪਿਆ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਈ, ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ ਸੋਨੂ ਗੁਪਤਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, AMI ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। पठानकोट में पहली बार ब्लोअर से तैयार की गई शीशे की तरह साफ और पत्थर की तरह मजबूत बर्फ अब बहुत कम दामों में उपलब्ध है। विवाह शादियों और पार्टियों और अन्य समारोह के लिए डायरेक्ट फैक्ट्री से अत्यधिक वाजिब दामों पर कम से कम 2 ब्लॉक का ऑर्डर के लिए संपर्क करें कार्तिक आइस फैक्ट्री पर।